नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेकर आया हूँ धुआधार भेड़ाघाट वाटरफॉल पर, जो कि जबलपुर में स्थित है। ये यहाँ का एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप धुआधार वाटरफॉल को देख सकते हैं। ये नर्मदा नदी है, पवित्र नदी, और आज पानी ज़्यादा होने की वजह से आपको फॉल थोड़ा कम दिखेगा। पर यकीन मानिए, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बिल्कुल शांति और पवित्रता और एक अलग तरह की अनुभूति होगी। ये देखिए, जो मार्बल्स हैं ये बिल्कुल चमकदार और वाइट मार्बल्स हैं। ये सामने आपके धुआंधार वाटरफॉल है, अभी मैं आपको इसको नज़दीक से दिखाऊंगा। और ये पानी की अठेलियाँ देखिए कितनी ही प्यारी हैं। इसका आवाज़ तो इतना मधुर होता है कि आप यहाँ घंटों घंटों बैठ सकते हैं। और यहाँ के जो मार्बल्स हैं, पानी की वजह से इतने मुलायम और कट चुके हैं कि आपको इसको देख कर बहुत ही इंजॉय मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, लोग सैलानी बैठ कर फ़ोटो भी लेते हैं। यहाँ पर रोपवे की भी व्यवस्था है, जिसे आप 95 रुपीज़ में तय कर सकते हैं। लगभग 150 मीटर की दूरी है। और ये देखिए, आप यहाँ से जो धुआंधार वाटरफॉल है इसको आप बिल्कुल अच्छा देख सकते हैं। यहाँ पहुँचने का अच्छा मौसम ठंडियों का माना जा सकता है, जिसमें नवंबर दिसंबर का मंथ है, जिसमें यहाँ पे डेप्थ थोड़ा ज़्यादा होती है। और ये देखिए नीचे, ये जो सड़क आपको दिख रही थी, इस पर आप परिक्रमा कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये है यहाँ का टूरिज्म, आप यहाँ 2.5 किलोमीटर का लगभग टूर मिलता है, जिसमें आपको फ्री प्लेसेस दिखाए जाते हैं, जिसमें बंदर कोड़ी और वाइट मार्बल एंड पिंक मार्बल एंड ब्लैक मार्बल दिखाए जाते हैं। नैनो कार्स होती हैं, जिसका प्राइस आप चाहें तो इंडिविजुअल है तो 100 to 100 सेट कर सकते हैं, अगर आप ग्रुप में हैं तो 400 to 500 सेट कर सकते हैं। कुछ खाने पीने का भी। और इसमें आप यकीन मानिए, आपको एक नया अनुभव होगा, आप अलग तरह के पत्थर देखेंगे। और यहाँ की डेप लगभग 120 फीट तक हो सकती है। अगर आप बारिश के सीजन में आते हैं तो ये 50 फीट तक आपको दिखेगी। और अगर आप ऑफ सीजन में, जैसे मैंने बताया कि ठंडे का मौसम अच्छा है, जिसमें आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, तो उन मौसम में आएंगे तो आपको ये हाइट लगभग 50 to 60 दिखेगी। लेकिन मार्बल जो चमक होती है ना, वो आप देख कर बिल्कुल खुश हो जाएंगे और आपको लगेगा थोड़ा और समय बिता है ना, और आपको बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव होगा। मेरा मानना है आप एक बार जरूर इसकी राइड करें और बार्गेनिंग जरूर करें। यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, आप 300 में भी, अगर आप अच्छे बार्गेनर हैं तो 300 में ट्रेवल कर सकते हैं। और इस जगह में, इस खूबसूरत माहौल में आपको जाकर अच्छा आनंद मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादातर कपल आना पसंद करते हैं, मेरा मानना है। अगर आप परिवार के साथ आएँ तो भी आप इसे ज़रूर देखें। यहाँ से आपको एक विहंगम दृश्य मिलेगा। देखिए ये वाइट मार्बल्स कितने चमक रहे हैं, कितने चमकदार हैं। आप इसको पास से देखेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। यहाँ पे जो कुछ मूवी की रिकॉर्डिंग भी हुई है, जैसे मोहनजोदड़ो, अशोका, और इनकी चमक तो देखिए, वाह क्या। ये देखिए, ये तो पेड़ है ना, इनके बीच से ये तो आपको ऊपर एक पहाड़ी की मंदिर दिख रहा है। ये 64 योगिनी महादेव का मंदिर है, जहाँ पर भी आपको जाना है, यहाँ पे जब आप विजिट करें जरूर जाएँ। ये देखिए, बिल्कुल क्लोज शॉट है आपके धुआंधार वाटरफॉल का। आप यहाँ पे जरूर आए तब आपको समझ आएगा कि क्या है। वीडियो में इसकी कल्पना आपको नहीं करवा सकता, लेकिन यहाँ पे एक रेनबो भी बन रहा है, खूबसूरत का। ये रेनबो कितना क्लियर है, आप पास से देख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ी पानी की छटी सुधार भी आती है और बिल्कुल रोमांच भरी होती है। आप अपोजिट डायरेक्शन में अगर पहुँचने देखें, दूसरे किनारे पे देखें, तो वहाँ पे ढेर सारे लोग हैं जो स्नान करते हैं, आप भी स्नान करें। यहाँ पे बहुत ही शीतल जल है और सबसे बड़ी बात है, बहुत ही साफ सुथरा, क्योंकि ये वाटर जो है एस्चुरी या कोई भी रहता गंदा पानी नहीं जाती है, बिल्कुल साफ होती है। और यहाँ पे बिल्कुल सच बताया तो धुआँ ही धुआँ है, इसीलिए इसका नाम धुआंधार है। और ये वहाँ पे कुछ मेरे द्वारा बिताए गए सुखद पल हैं। मैं वहाँ पे बैठ गया था और मैंने बिल्कुल आराम से इस पल का अनुभव किया। और आप यहाँ आए तो ज़रूर यहाँ बैठें। और ये है वहाँ के टिकट, नर्मदा रोपवे, जो 95 रुपीज़ का है।
और ये दोपहर में 1:30 से 2 बजे तक बंद रहता है। धुआंधार जो